Hello and welcome to the brand new episode of Tune with Mustafa, only at tune.pk. आज जो celebrity हमारे साथ मौजूद है, he's a musician, cum vocalist, और सबसे importantly जो Nescafe Basement के पीछे जो major जो दिमाग और soul है, उसके हमारे साथ मौजूद है. हमारे साथ मौजूद है Zulfiqar Jabbar Khan, जिनको आप जानते हैं Xulfi के नाम से. Salaam sir. Salaam sir. Thank you so much. Sir, musician बनने का कैसे ख्याल? Why music? एक टॉय पियानो था मेरे पास जो वैसे ही एज अ गिफ्ट मेरे ना वो जाते रहते थे भाई तो मलेशिया से लाए इतना सा पियानो सो वो ले आए जब तो मैंने मतलब जो भी सुनता था तो वो एक नेचुरल कोई बात थी कि मैं बजा लेता था सुन के सीखा वगैरह नहीं था ठीक है फिर उसके बाद से बजा रहा हूँ तो म्यूजिक जा रहा हूँ आप कब से म्यूजिक में कब एंटर हुए थे आपने कब प्रोफेशनली म्यूजिक शुरू किया प्रोफेशनली शुरू किया था 2000 में अब 16 साल होने का और लेकिन उससे पहले अंडरग्राउंड वगैरह शो में बजाता था 1994 में मेरा एक बैंड था कॉल के नाम से था फिर बैकग्राउंड म्यूजिक देता था माइक परफॉर्मेंसेस का एनसी मैं पढ़ता नहीं था मैं मेरा भाई पढ़ता था सो ही इंट्रोड्यूस मी टू दैट एनवायरनमेंट आई थिंक सपोर्ट भी थी भाई की सपोर्ट बहुत ज्यादा थी फैमिली की भी सपोर्ट थी तो बेसिकली जो शुरू में मेंटोर आपको किया गया वो आपके अपने भाई योगी बिल्कुल 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 मैं आपको बताता हूं बल्कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल मेरी म्यूजिकल लिसनिंग का जो शेप किया मेरे बड़े भाई थे खुरम वो होते थे अमेरिका में पढ़ने गए हुए थे तो वो करते क्या थे कि ही यूज्ड टू सेंड मी ऑल द न्यू सॉन्ग्स जो अंग्रेजी के आए हुए हैं पर्ल जैम नर्वाना वगैरह तो वो भेजे थे टेप्स पे तो मैं बड़ा अप टू डेट रहा कि वो हाँ हो क्या है और मुझे पसंद भी खूब हुआ है हमें कॉल को मैंने देखा है कि हमने बहुत ज्यादा से स्ट्रगल की और वो जो टूटना और जुड़ने वाला प्रोसेस था वो काफी किया तो टेल अस अबाउट द स्ट्रगल ऑफ कॉल इफ आई लुक बैक स्ट्रगल मुझे इंटरेस्टिंग ही लगती है एक्साइटिंग भी लगती है तो शुरू किया हाँ बिल्कुल शुरू किया तो हमें नहीं पता था कहाँ जाना है अंडरग्राउंड बैंड था जो बैंड खत्म हुआ एक दफा जब मेरे भाई ही वांटेड टू यू नो डू नॉट डू म्यूजिक एनीमोर तो दोबारा बनाया उसमें फिर आई टू ऑडिशंस फॉर वोकलिस्ट जूनियर वाज सिलेक्टेड एज अ रिजल्ट उसके बाद से एक नया वेव ऑफ कॉल स्टार्ट बिल्कुल एक नया आई थिंक एरा ऑफ कॉल स्टार्ट इसमें वी वर फोकसिंग ऑन उर्दू ठीक है मेजरली फिर वो कंटिन्यू हुआ और ऑब्वियसली उसके अंदर जो बैंड बनाते हो तो आपकी ऑब्वियसली योर ग्रेट फ्रेंड यू बिकम ग्रेट फ्रेंड बिकॉज़ यू परफॉर्मिंग ऑन स्टेज और जरूरी होता है इतनी देर आप टाइम इकट्ठे गुजारते हैं स्टूडियो से लेकर स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आपका सारा टाइम आपके दोस्त भी सिर्फ वही रह जाते हैं जो आपके सर्कल में है तो टाइम स्पेंड आप कर रहे हो उनके साथ बस होता है कि जब आप टाइम स्पेंड थोड़ा कम करते हो ना तो उसमें थोड़े शुरू हो जाते हैं थोड़े से क्या कहेंगे मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिकॉज एंड इट्स ह्यूमन नेचर ऑनेस्टली बताऊं ना मैं समझता हूं कि एनीवन इज टू ब्लेम अहमद अली बट शेयर्स माय म्यूजिक ऑन माय पेज आई कॉम्प्लीमेंट हिम ऑन हिज परफॉर्मेंसेस आई कॉम्प्लीमेंट फवाद ऑन हिज परफॉर्मेंसेस उसके फेसबुक पे मतलब वी आर स्टिल इन टच दैट्स द पॉइंट सो वो आई थिंक वी ग्रो ओवर इट साफ सी बात अच्छा तो ये आप जैसे कह रहे हैं कि इसको पॉलिटिक्स कहेंगे मिसकम्युनिकेशन कहेंगे पॉलिटिक्स इज द राइट वर्ड आई थिंक ये ग्रोइंग अप है ये ग्रोइंग अप के अलावा और कुछ नहीं है और जब आप बड़े होते रहते हो आप सीखते रहते हो सर ईपी की टूटने की वजह क्या थी कि फहद का एज अ वोकलिस्ट कोई वजह नहीं थी मैं किसी एक बंदे को तो खैर बिल्कुल ब्लेम नहीं करना चाहिए करूंगा भी नहीं पाकिस्तान इज अ सॉर्ट ऑफ अ कंट्री जहां एक टाइम आता है जब कॉन्सर्ट्स होना शुरू हो जाते हैं और लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया जब से कॉन्सर्ट्स खत्म होते हैं ये क्या हो गया डार्कनेस सो उस टाइम पे भी इस तरह का टाइम था एक जब कॉन्सर्ट्स खत्म हुए जब जैम्स खत्म हुए जब मुलाकातें खत्म हुई तो मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हुई मिसकम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ और जब आप जैम नहीं करते हो ना मुझे ऐसा लगता है जब म्यूजिशियंस जैम ना कर रहे हो तो उनकी केमिस्ट्री सिर्फ म्यूजिकल केमिस्ट्री खराब नहीं हो रही होती पर्सनल मेंटल केमिस्ट्री भी खराब हो रही होती सो वो जब वीक होती गई होती ही होती तो एक पॉइंट आ गया वी कुडंट कंटिन्यू खत्म How do you see the future and what do you see किस तरीके से पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है आई फील के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस टाइम पे होता है कि क्या लोग म्यूजिक करने के लिए इंस्पायर्ड हैं म्यूजिशियंस की बात कर रहा हूँ पहला मोटिवेटेड और मोटिवेटेड हैं कि नहीं क्योंकि म्यूजिशियंस होंगे तो कॉन्सर्ट्स होंगे और कॉन्सर्ट्स होंगे तो लोग आएंगे क्वालिटी म्यूजिक भी जब बनेगा क्वालिटी म्यूजिक जब बनेगा ठीक है आर वी प्रिपेयरिंग एनी म्यूजिशियंस आर वी मेंटोरिंग देम ऑन लार्ज स्केल नंबर वन बात ठीक है उनके चॉइसेस हो डाइवर्सिटी हो उसके बाद हम लोगों ने क्या नहीं किया हमने ये नहीं किया कि जब म्यूजिक इंडस्ट्री बूम पे थी हमें उस टाइम पे एक सेटअप कर लेना चाहिए था मतलब हम लॉज और एंटी पायरेसी सब कुछ बनाए जब डिक्लाइन पे थी जब असेंट पे थी तब बना के उसको पक्का कर लेना चाहिए पक्का कर सही है तो उस वक्त नहीं किया डिजिटल एज की वजह से एवरीवन हैज अ चांस ठीक है
सो आई गेस ये इस चीज ने ना बहुत मोटिवेट किया यंग म्यूजिशियन को अपनी वीडियोस बना के, जिस तरह मुझे ऑडिशंस आते हैं सारे उस तरह ही है कि मैं स्काउट भी करते रहता हूँ, देखते रहता हूँ किसने क्या वीडियो अपलोड की हुई है म्यूजिशियंस ने, फिर मुझे जो भेजते हैं वो वीडियोस इतनी इंस्पायरिंग होती है कि बंदा कहता है यार ये टैलेंट इधर ही है, हमारे मुल्क में ही है। नेस्कैफे बेसमेंट जो है उसके जो रसाई है, रीच आउट जो लोग कर सकते हैं, वो कौन सी क्लास है जिसको रीच आउट कर सकते हैं? हर बंदा। देखें मेरा क्या सबसे पहला मकसद क्या होता है कि जब मैं ऑडिशन कॉल देता हूँ तो एक तो हम बिल्कुल यूनिवर्सिटीज वगैरह जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, लेकिन वो एक ऑब्वियसली स्पेसिफिक जॉनरा ऑफ म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट ऑफ पीपल को उधर हम टैग करते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन हम जब जाते हैं ना तो फिर वहाँ से जो मुझे ऑडिशन आते हैं वो हर एक किस्म के, चित्राल से भी ऑडिशन आते हैं, मुझे कोयटा से भी ऑडिशन आते हैं, मुझे खानेवाल से भी ऑडिशन आते हैं, मुझे रहीम या खान से भी ऑडिशन आते हैं, मतलब कराची लाहौर इस्लामाबाद के अलावा। सो 42 इस बार म्यूजिशियंस थे, मतलब 70-80 म्यूजिशियंस डिस्कवर कर चुके हैं इसके पीछे, 70-80। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, 80 म्यूजिशियंस अगर 4 साल में हमने डिस्कवर किए हैं एक इनिशिएटिव में, सो भी कितना पोटेंशियल होगा, 100,000 को पोटेंशियल डिस्कवर कर रहे हैं। सो बात है कि वी नीड मोर इनिशिएटिव्स लाइक दैट। हमने एक चीज नोटिस की है कि जो आप दिस इज ए पाकिस्तानी प्रोडक्ट, जो पाकिस्तान के अंदर एक एक जो है वो एक प्लेटफॉर्म है, पर इसको जो प्रमोट किया जाता है वो पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जैसे वायरल जो करने के लिए प्लेटफॉर्म जैसे tune.pk दूसरा एक प्लेटफॉर्म है, उसको राइट्स नहीं दिए जाते वो, पर डेली मोशन या यूट्यूब के थ्रू प्रमोट किया जाता है, इसकी कुछ स्पेशल वजह? देखिए जो ब्रांड्स होते हैं ना उनकी कभी फिलॉसफी होती है एंड उनका अपना एक तरीका होता है व्हाट दे थिंक हाउ दे नीड टू कैटर टू समथिंग, राइट? सो देयर टीम मेक्स द प्लान, राइट? सही है, आई थिंक TuneRPK इज ब्रिलियंट एंड आई नो के टारगेट मार्केट एग्जैक्टली पाकिस्तानी टारगेट मार्केट लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, व्हाई नॉट, एंड बिल्कुल करना चाहिए एंड आई थिंक इट्स समथिंग दैट आई थिंक विल हैपन इन द फ्यूचर, जब अगले सीजन आएंगे सो इसमें बिल्कुल ऐसा होगा। जो जब ये नेस्कैफे बेसमेंट खत्म हो जाता है, चार सीजन जो है हम वी आर इन द फोर्थ सीजन, उसके बाद ये म्यूजिशियंस कहीं नजर नहीं आते। मैं अपना जो असल सवाल है मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ कि आया इसकी क्या वजह ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की प्रॉब्लम है और कॉन्सर्ट नहीं हो रहे, तब ये लोग इसी वजह से ये लोग आम ऑडियंस के अंदर परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आते, कुछ लोग होते हैं जो बाकी करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, सीजन 1 में था अदनान और रवि, ठीक है, सोच जिनका बैंड है, ठीक है, अवारी किया, ठीक है, अवारी आई थिंक foreign was picked up by the Bollywood movies. Mero gana ke dar hua tha iske bhi basement. Theek hai. Season 2 mein, season 1 mein Asfar tha ek ladka, season 2 mein bhi tha. And wo ladka ab ek he's singing in naam nahi le sakta. Movies mein he's theek hai. Compose bhi kar raha hai, playback bhi kar raha hai, theek hai. Ab agar aap note karenge jo mainstream musician hai वो बेशक कॉन्सर्ट्स ना भी कर रहा हो, ठीक है, लेकिन उसको थ्रू आप देख लेते हो टीवी इंटरव्यू, आप देख लेते हो कहीं वो पार्टी पे चला गया, पिक्चर्स पिक्चर्स आप देख लेते हो, आपको लगता है ही इज इन द न्यूज़, राइट? इज ही मेकिंग म्यूजिक, वी डोंट नो, राइट? सो इसलिए वो जो आप इन द न्यूज़ वाली बात है ना कि बच्चे नजर नहीं आते, शायद ये बच्चे उन मेंस्ट्रीम से शायद ज्यादा एफर्ट कर रहे हो, राइट? पर ये नजर नहीं आते, यस, बात ये है कि दे आर स्ट्रगलिंग, स्ट्रगलिंग, दैट स्ट्रगल इज द मेन थिंग। कि जो मेन से मीडिया है अगर वो इस तरह के इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करे तो दे दिस इंडिविजुअल्स कैन डू वंडर्स। आई थिंक मीडिया उस चीज को कवर करती है जो उनको लगता है कि न्यूज़ बनाएगा, न्यूज़ वाली बात भी नहीं है, अगर आप नोट करें ट्रेंड ये है कि आप उस चीज को शेयर कर लोगे जिसका आप मजाक उड़ा सकते हो, सार्कास्टिक हो सके, मजाक कर सके, या आपको एक क्यूट लगे कोई बात आप उसको शेयर करोगे, उस पे लाइक ज्यादा हो, उसकी टॉकिंग ज्यादा हो सके, वो टॉकिंग बहुत ज्यादा हो उसकी। अब ये जो ट्रेंड बन गया ना, ऑब्वियसली मैं सपोर्ट नहीं कर सकता इस ट्रेंड को, इसलिए क्योंकि आई थिंक जो म्यूजिक जिस वजह से मैं बनाता हूँ या जिस वजह से म्यूजिशियंस म्यूजिक बनाते हैं ये इस बात को डिफाई करता है, हम इसलिए नहीं बनाते कि लोग हमारा मजाक उड़ाएं और फिर शेयर करें, हम बनाते हैं लोग अप्रिशिएट करें, अंडरस्टैंड करें हमारे आर्टिस्टिक मुझे आई गॉट इंट्रोड्यूस टू यू, तो किस तरह का म्यूजिक है जो लोगों से ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं? कौन सा म्यूजिक ज्यादा कनेक्ट करता है उसमें तो कुछ शक नहीं है, जो लोगों को सिंपली अंडरस्टैंड करता है, लोगों को की समझ में जल्दी आ जाए, लोगों को लगे कि उनकी कोई स्टोरी है इसमें। सीजन 4 में जो है नेस्कैफे बेसमेंट का सारा गाने, अब मेरा क्या मकसद था सीजन 4 में, मेरी पूरी जिंदगी की थॉट है सीजन में इन्वॉल्वमेंट, सच्ची बात करूं आपसे, क्योंकि जो सीखा, ऑब्वियसली आप एक चीज करते हो
फिर आप उस नेक्स्ट स्टेप पे जाते हो तो अपना पूरा जो लर्निंग होती है उसको उधर इंप्लीमेंट करते हो. सो इसमें ये आप समझ लें वो टाइम था मेरे लाइफ का जिसके अंदर आई थिंक मैक्सिमम थॉट इन्वॉल्व थी राइट कि किस तरह कनेक्ट करना है. इसी पॉइंट पे मुझे इशारा हो रहा है ब्रेक लेने का. We are going on a short commercial break. जब हम वापस आएंगे, we will be still in conversation with Zulfi. Welcome back from the break. We are still in conversation with the talented Zulfi. Film industry का revival की तरफ जो है हम चल पड़े, उसके revival से हमारी music industry पे क्या impact आएगा? I think बहुत सारे musicians will get busy. जो ऐसा हुआ भी है कि obviously जो music मूवी का होता है उसे म्यूजिशियन बैकग्राउंड में होता है, ठीक है, जो कंपोज कर रहा होता है, बट एटलीस्ट ही इज सस्टेनिंग हिमसेल्फ, लिविंग बन रही है बिल्कुल. सो आई थिंक वो करियर रिवाइव हो गया राइट. सो अपना एक तो म्यूजिक का पैशन कंटिन्यू करने की एक और चांस बन गया, एक रास्ता बन गया. सो आई थिंक इट्स ग्रेट. आई एम आल्सो डूइंग म्यूजिक फॉर अ मूवी. जिस तरह आपके पीछे बात की कॉल और ईपी, उसमें से जितने भी आपके बैंड मेंबर्स है इवेंचुअली एक तो बहुत सक्सेसफुल आपके दोनों ही बल्कि जो वोकलिस्ट है सक्सेसफुल वो जो है आर्टिस्ट हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, ड्रामा में आ रहे हैं, दूसरे तो जो है वो फिल्मेशन में भी बड़ी जबरदस्ती से बने. तो ये एक तो ये कि आपकी शायद लक की वजह से कुछ ऐसा ब्रेकअप की वजह से वो जो वो साइड पर चले गए. तो मुझे ये बताएं कि आई एम मोर इंटरेस्टेड कि आपके पास आपको कब हम एक्टिंग करते हुए देख सकते हैं. मैं कभी भी नहीं. देखें हर बंदा ना एट द एंड वो कर रहा होता है जिसकी ट्रू कॉलिंग हो, स्पेशली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में फवाद की ट्रू कॉलिंग एक्टिंग है, अहमद की एंटरटेनिंग ट्रू कॉलिंग है. दे आर ब्रिलियंट ब्रिलियंट And we know that. आज मैं जब देखता भी हूँ फवाद की मूवी भी देखता हूँ तो मुझे वो वाले पॉइंट्स नजर आ रहे होते हैं, एस्पेक्ट्स जो हमने टाइम इकट्ठे गुजारा है नजर आ रहा होता है. अहमद को देखता हूँ मुझे वो वाली चीज नजर आ रही थी जो हमारी जर्नी गुजरी है हम सब की इकट्ठी, तो एक दूसरे को जो अफेक्ट किया वो उनके आज के दिन नजर आ रहा होता है. सो आई थिंक मुझे जर्नी इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट. वरना एक बड़ा एक कॉमेंट है थोड़ा चीजी से पर मेरे दिमाग में आ रहा बहुत जबरदस्त तरीके से आ रहा है, वो इस तरह आ रहा है अगर आपकी ट्रू कॉलिंग ना हो सिंगिंग या म्यूजिक फिर आप कंदील बलोच भी बनने के चांस होते हैं कि ट्रांसफॉर्म इनटू कंदील बलोच. जैसे मूविंग ऑन जारी जो आपका था इतना खूबसूरत गाना था कि मैंने उससे बड़ा जबर सीखे से कनेक्ट किया और वो मेरे नजदीक बहुत खूबसूरत गाना अभी तक माय ऑल टाइम फेवरेट है. अभी बड़ा अफसोस हो गया कि आपका म्यूजिक इंडिया से आ नहीं था. यार इंडिया में भी ना डिफरेंट एराज आते हैं, ठीक है, ये बस समझ जाएंगे. इंडिया Obviously, हम भी एज पाकिस्तानी हो तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट. इंडिया भी ये सोचेगा कि इंडियन आर्टिस्ट पहले, which is, I think, fair as well, ठीक है. So, उनका सबसे तरीका क्या होता है कि अगर वो देखते ना एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है तो वो फिर देखेंगे डिस्कवर करेंगे कि यार ऐसे लोग क्या हमारे पास मौजूद हैं, वो ढूंढ लेंगे ऐसी आवाजें ढूंढ लेंगे, ठीक है, ऐसा म्यूजिक ढूंढ सकें कि ना ढूंढ सकें वो फर्क है, क्योंकि वो हमारा म्यूजिक उनका म्यूजिक अलग है. जो म्यूजिक है इंडिया में वो बॉलीवुड वाला म्यूजिक है, सही है, उनका अपना कोई म्यूजिक सीन ऐसा है क्यों नहीं है, उनका कोक स्टूडियो तो बहुत जबरदस्त होता है, एमटीवी सेशंस होते हैं, बट वैसा ऐसा थ्राइविंग सीन नहीं जैसा पाकिस्तान का, जैसे हमारा पाकिस्तानी सीन है ना उस तरह का बैंड्स वाला सीन और वाला सीन नहीं, ठीक है. इंडिया की कोई अपॉर्चुनिटी मैं अभी भी वेलकम करता हूँ, लेकिन अगर मेरी और ट्रू कॉलिंग और उनका जो आईडिया है वो आप उसे मैच कर जाए. अच्छा सर आप मतलब इतने अच्छे से म्यूजिक कर रहे हैं तो फैन फॉलोइंग तो आपकी हम सबको पता है, आप मतलब एक तो म्यूजिशियन के तौर पे आपकी फैन फॉलोइंग बहुत है, आपके स्टूडेंट्स बहुत है, आपने म्यूजिक सिखाया बहुत है लोगों को, म्यूजिक पढ़ाया बहुत है लोगों को, तो कोई एक ऐसा फनी इंसिडेंट जाना चाह रहा है, कोई क्रेजी फैन शादी से पहले वाला क्रेजी फैन हो खातून जो पीछे पड़ गए जान छोड़ना मुश्किल होगी, इस तरह का वाक्य सर बता दें. क्या बताऊँ जो बड़ी देर से मुझे फॉलो करी है, अब थोड़ा परेशान भी हुआ कि जहाँ मुड़े पीछे गाड़ी मुड़ रही है, स्पीड तेज हो रही है, उसमें स्पीड भी तेज हो रही है, अब डर भी गया ना ऑब्वियसली कौन है क्या चक्कर है क्यों किस तरह. हम फिर आहिस्ता जगह जाके जहाँ रुकना था ना उसे थोड़ा पहले मैं रुक गया. अच्छा गाड़ी रुक गई, पूछो तो सही क्या है. हाँ.
वो बंदा निकला सर आपको हम बड़े दूर से फॉलो कर रहे हैं आपसे हाथ मिलाना था आपने पहना आपको मैंने कहा मुझे डरा के तो नहीं खाना लेकिन कहता मेरा तरीका ही और नहीं था आपको देख लिया कर रहा था सो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं जो मतलब आपको याद रहती हैं there are a lot of questions जो हमारे पास के फैंस होते हैं कुछ क्वेश्चन है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ उसके प्लीज जवाब दे दे अच्छा सर एक साहब है जैन अब्बास बट ये आप मेरे टू फॉलो इन्होंने कहा जी डाउनफॉल इन बैंड कल्चर जो है इसकी क्या वजह है जब आप बैंड की बात करते हो ना बैंड में बहुत जरूरी होता है कि आपस में केमिस्ट्री क्रिएट ठीक है जैसे आपने पहले भी इनिशियल में और जब शुरू करो ना तो आप ईगोस को साइड पे करके शुरू करो एज इंडिविजुअल्स आप कहते हो हम इकट्ठे हो रहे हैं मैं उसको स्पेस दूंगा ये मुझे स्पेस से बाहर है अंदर एक म्यूजिशियन इस टाइम पे जा रहा है एब्सोल्युटली बिल्कुल वेल सेड कि आपका जो बंदा है वो बाहर है आप इस टाइम पे म्यूजिशियन हो आप सबके साथ मिल बैठ के डिसाइड कर रहे हो बैंड इज बेसिकली वन ठीक है आर्टिस्ट अलग अलग होते हैं पांच छह एक होते हैं जब तक वो रहते हैं वो बैंड रहता है नहीं होते इकट्ठे खत्म बंद नहीं रहते और ऐसे इसी वजह से बैंड सीखना अच्छे तरीके से बिल्कुल खुद सीखो यूट्यूब से सीखें tune.pk से सीखें बिल्कुल आप ट्यूटोरियल्स देखें सर आपने खूबसूरत बात की है हमारे जो मालकान हैं वो तुम्हें खुश होंगे ये हां मैं वो कह रहा हूं कि देयर आर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आप लर्न कर सकते हो हमारे जो प्रोडक्शन हेड है वो भी आपसे इंस्पायर होके उन्होंने आपसे ही म्यूजिक सीखा गिटार बजाना उन्होंने जो हमारे इस शो के प्रोडक्शन में उन्होंने आपसे इंस्पायर होके फिर आपसे ही उन्होंने गोल बनाया था कि उन्होंने आपसे गिटार बजाना सीखा बड़ी खूबसूरत बात है कि इंस्पायर करना चाहिए सर अगला सवाल है ये है सैयद मोहम्मद माज इन्होंने सवाल किया मैं अपनी जुबान बताया था इन्होंने कहा जी कि नेस्कैफे बेसमेंट में ना इनको लगता है कि आप फेवरेट हैं इनको लगता है ठीक है देखें बड़ा सिंपल सेंट का जवाब है अगर तुम फेवरेटिज्म करता होता है तो मेरा ख्याल है कि चार ना सीजन में तो 20 होते म्यूजिशियंस लेकिन 70-80 सो व्हेन आई क्रिएटेड दिस आइडिया और नेस्कैफे बेसमेंट स्टार्ट हुआ सो मेरे जहन में क्यों नहीं बात आएगी कि जिनको मैं जानता हूँ मुझे पता है टैलेंटेड है सबसे पहले तो मैं उनको उनको ऊपर लेकर पोटेंशियल भी है डिजर्विंग भी है सबसे पहले उनको तो करके मैं दूसरे उनसे ये भी बात करता हूँ कि जो भी ये बात है नेक्स्ट सीजन वो जैम पे आके देखें और वो जो थ्रस्ट ऑफ टैलेंट है वो आके देखें वो क्या है क्योंकि जितना आई थिंक अनबायस्ड मैं हो सकता हूँ ना इस चीज को करने के लिए बिकॉज यंग म्यूजिशियन को प्रमोट करना है सो ये मेन स्ट्रीम म्यूजिशियन को प्रमोट नहीं कर रहे अंडरग्राउंड म्यूजिशियन को प्रमोट कर रहे हैं कि मैंने इस सीजन में 20 लोगों को सिर्फ रिक्रूट करना है और खुद ही सोचना है कितना मुश्किल काम 20 लोगों को करना है और इससे ज्यादा नहीं करना और मैंने इस साल भी ये किया मैंने क्यों 45 कर लिया क्योंकि वो टैलेंट इतना आ गया यस मैं किसी को देखता था और गूज़बम्प्स होते तो सोचते हो रहे कि ऐसा टैलेंट था कि मैं वो नहीं कह सकता क्वालिटी वो थी जो पिछले चार महीने से मुझे कह रही थी मेरा ऑडिशन स्टार्ट हो गए हैं आप इधर फेसबुक पे मेरा पेज है उसपे भेजे वो हर मैसेज मेरी टीम भी चेक करती है मैं भी चेक करता हूँ और जब सीजन करीब आने वाला होता है तो मैं एक एक ऑडिशन देखता हूँ ठीक है ब्रांड क्योंकि नेस्कैफे एक जो बेसमेंट है वो ब्रांड स्पॉन्सर कर रहा है तो ब्रांड की कितनी इन्वॉल्वमेंट होती है उनके पे कोई प्रेशर्स होते हैं कि इसको अंदर ले आओ या इसको मेरा ब्रांड बहुत सपोर्टिव है वेरी ऑनेस्ट ठीक है वो कभी भी नहीं पुश करते मुझे कि ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए फलाना नहीं होना चाहिए बल्कि इन फैक्ट अगर वो उनको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए और मैं कहता हूं होना चाहिए कहते हैं आपकी मर्जी ठीक है अच्छा इतनी लिबरल आपको इतनी लिबर्टी दी गई उन्होंने अच्छा सर अगला क्वेश्चन है ये है अरसलान अहमद इनके कुछ मैंने देखे हुए हैं कि गिटार बड़ा खूबसूरत बजाते हैं इनका सवाल है कि सूफी स्कूल ऑफ थॉट्स पे आपकी क्या टेक है आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल स्कूल ऑफ थॉट और जो बोल होते हैं सूफी लिरिक्स भी होते हैं वो हमेशा इन अ वेरी डिफरेंट वे आपका ना दिल हल्का सा कर देते हैं आपको मजा आता है सुनने का जिस तरह हमने सीजन 2 में किया था तेरे इश्क में जब वो हमने किया वो सुनते हुए भी हमें बिल्कुल आंखों से आंसू निकलते थे ठीक है अभी गौरव धंधा किया सो वो हमेशा ऐसी चीज है जो आपके दिल को इम्पैक्ट करती है क्योंकि हमारा जो कल्चरल रेलेवेंस है रिलीजियस रेलेवेंस है आपको टच करती है और आई थिंक आई विल नॉट स्टॉप अच्छा सर ये सुपर साजिद है इनका सवाल है ईपी का स्टेटस क्या है यार कोई स्टेटस नहीं है हर बंदा ईपी का इंडिविजुअल है बिल्कुल ठीक है मैं म्यूजिक में थोरली बिजी हूं और एक्टिंग में थोरली बिजी है तो सर कॉन्सर्ट्स अब आप यूनिवर्सिटीज में ही रहेंगे आप कॉन्सर्ट्स पाकिस्तान में मतलब ऐसे ही बस ठीक है लेकिन अलग करे कि होते तो रहे ना ताकि ये यूनिवर्सिटी कल्चर थोड़ा और बड़ा लाइव म्यूजिक सुनने का मौका तो मिले ना कैफे से कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां आप
लोगों को म्यूजिक और कैफेज को आपस में रिलेट करना चाहिए। अच्छा सर, ये अहमद जुनेद है, इनका सवाल है कि ईएमडी म्यूजिक, आई थिंक इलेक्ट्रो डांस म्यूजिक के ऊपर ये कह रहे हैं कि इसके पाकिस्तान में क्या फ्यूचर देखते हैं। यार आजकल तो बल्कि मैं देखता हूँ कि बाहर से भी आर्टिस्ट बुला के जो परफॉर्मेंसेस कॉन्सर्ट्स होते हैं, आई थिंक इस तरह का म्यूजिक सुना दुनिया में जाता है। मेन स्ट्रीम म्यूजिक के हिसाब से अगर आप देखें, इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स तो आप तकरीबन हर म्यूजिक के अंदर सीख थ्रू कर चुके हैं। तो अगर कोई काम इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से कोई इच्छा मर्ज करके समथिंग न्यू, नॉट जस्ट द ओल्ड थिंग दैट हैज बीन हैपनिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक पाकिस्तान में बहुत अरसे से हो रहा है। कहते तो हैं कि सिंपल म्यूजिक पसंद आते हैं लेकिन कर ऑर्डिनरी देते हैं, उस डिफरेंस को समझ नहीं पाते। सो आई थिंक ये चीज कोई भी म्यूजिशियन है उसको भूलनी चाहिए कि ऑर्डिनरी होना बहुत आसान है, सिंपल होना बहुत मुश्किल है। नुसरत फतेह अली खान साहब जो थे वो सिंपल म्यूजिक करते थे और वो म्यूजिक परफेक्ट उनके हिसाब से जो वो करते थे वैसे कनेक्ट होता था, वो इतना खूबसूरत था। सर मुझे ब्रेक का शॉर्ट है, वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, वी आर स्टिल इन कन्वर्सेशन विद ज़ुल्फी। सर एक आखिरी क्वेश्चन है आपके फैन की तरफ से, इनका नाम है अली रजा, इन्होंने बड़ा ही हार्ड क्वेश्चन पूछा है। वो क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि जल, बैंड, गौहर या आतिफ असलम कौन बेहतर जस्टिस कर रहे हैं म्यूजिक के साथ। मेरे लिए स्पेशल सवाल, सुनिए। यार आई थिंक दोनों म्यूजिक कर रहे हैं, ठीक है। मेरे लिए जो जो म्यूजिक कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं सबको 10-10 साल हो गए, म्यूजिक करते ज्यादा हो गए, मुझे तो उन सबसे ही एक अटैचमेंट है। वो तो आपकी अटैचमेंट, पर ज्यादा बेहतर जस्टिस कौन कर रहा है। दोनों अपनी तरफ से पूरी पूरी एफर्ट कर रहे हैं, अपनी जगह पे अपनी बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं, सही है। और जो जो बंदा जिस तरह कैपेबल होता है वो एफर्ट करता है, वो अपने दिल से एफर्ट कर रहा है। तो जो म्यूजिक कर रहा है, ये वो लोग हैं जो मतलब हम इकट्ठी सारे एक ही साथ सीजन पे आए हैं आगे पीछे। अब वो उस लिहाज से अगर अभी तक वो म्यूजिक में सस्टेन कर रहे हैं तो कोई ना कोई एफर्ट उनकी ठीक है। सर मैं एंड पे जो है आपका जो ऑल टाइम फेवरेट, मेरा ऑल टाइम फेवरेट जो गाना है लाई, उसकी रिक्वेस्ट करूंगा। उससे पहले सर मैं आप बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें टाइम दिया। ये दिस इज फॉर योर वॉल, एक जो है लेटर ऑफ एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट, और सर ये एक सुविनियर हमारी तरफ से, थैंक यू का, बहुत शुक्रिया। मैं आपको अभी गिटार